हमारे तो पुराना सिस्टम है, पुराना आदमी है, पता नहीं किस जमाने गया। लो जी बाइक पे निकलने का टाइम आ गया, इसने बाइक की चाबी कहीं रख दी और यहाँ से क्या प्लान है, यहाँ से जाएंगे। कह रही असली एडवेंचर तो आज हो रहा है पीछे बैठ के, खुद चला के इतना फेल होता पीछे बैठ के, जब डर लगता है ना भाई। हेलीकॉप्टर तो पता नहीं यहाँ पर कब लैंड होगा कब नहीं, लेकिन हाँ यहाँ से हम अपना हेलीकॉप्टर उड़ा देते हैं। अब देखो ये स्पेशल मैंने बनवाई थी, एक बार भी नहीं पहनी, जट प्रभजोत बना हुआ है इस पे। पक्की पक्की बात है दीदी? हाँ जी, 2000। चलो गांव में, यहाँ जो है गांव। तो पैदल जाते हो ऐसे इसको लेके? पैदल तो मैं साथ चलूंगा आज आपके। तो ये चश्मा पहन के आंटी जी घास लेके जा रही हैं। क्या बड़ा सांप है। हाँ ये समझ लो हम बॉर्डर पे खड़े हैं हिमाचल उत्तराखंड के। यू टर्न मारने की जगह भी थोड़ी सी है, हल्की सी बाइक आगे तो समझ लो निपट गए। कोको कैसे हो? हेलो। ओए छोटो, ओए छोटू। मामा। कोई मतलब नहीं है इसको, ना इसको मतलब है ना इसको मतलब है। वकील दिन हो गया भाई। भाई साहब देख लो 12:15 हो रहे हैं, उठ जा, जाना नहीं है। मैं कब से उठा रहा हूँ? तो ये देख लो, ये देख लो भाई, व्लॉग देख रहा है, सुबह सुबह दिखाइयो। ये हमारा ट्रू सब्सक्राइबर है भाई, यहाँ पर इंटरनेट नहीं है तब भी हॉटस्पॉट लेके हमारा व्लॉग देख रहा है, उधार लेके बहुत बढ़िया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत और ये हमारा होम स्टे। बाय बाय। ये देखने जा रही बाइक सारी सही खड़ी है कि नहीं खड़ी, और बाहर का नजारा दिखाएं आपको। ये देखो क्या सुंदर माउंटेन दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। वकील कह रहे हैं सेब का पेड़ लगा हुआ है। वकील कहाँ लगा हुआ है सेब का पेड़? तो भाई क्या हवा चल रही है, कहाँ है? कहाँ भाई, मेरे को क्यों नजर नहीं आ रही? अच्छा वो भाई साहब वो देखो, वो ढूंढा इसने, वो देखो एक सेब भी लगा हुआ है। ये देखो इतनी दो तीन लगे हुए इधर नीचे से दिख रहा है। एकदम तेरी वकील की नजर है भाई साहब, आते इन्हें सेब ढूंढ लिया और कह रहा चले क्या इसको तोड़ने के लिए, भूखे सुबह उठा है नहीं, ब्रश करा नहीं है, इसको पहले सेब खाना, वो भी तोड़ के। फ्रेश खाने में मजा आएंगे ना। हाँ सही बात है, सही खड़ी है हमारी बाइक्स। ओके भाई साहब ध्यान से देखो, ये जो लगी हुई है ना फेंसिंग सी, इसको टाप के वहां जा रहा है सेब तोड़ने के लिए। ये देख लो राजस्थान के वकील को नहीं मान रहा, ये कह रहा है सेब खा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो देखो वो पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है वो सामने वाला। अब शिकारी को कोई और शिकार दिख गया है, वो एप्पल दिख गया है। एप्पल है भाई, एप्पल है, ये गोल्डन एप्पल है महंगे वाले। वो देखो वो भी जा रही है, राइडिंग गियर पहन के घूम रहे हैं। सुबह सुबह सोच रहे थे यहाँ से निकले, अब सोच रहे कि यहीं पर रह लेते हैं, इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। अभी डिसाइड नहीं करा फाइनली, जो भी डिसाइड होगा आपको बताते हैं। भाई वहाँ का व्यू तो सुंदर है ही है, यहाँ का देखो पूरा का पूरा कुवार दिख रहा है, ये सारा कुवार है सामने, देख रहे हो घर कितने सुंदर सुंदर बने हुए हैं। बताओ दिल्ली से कितनी दूर आके ऐसा गांव देखने को मिल रहा है, वो भी इतना सुंदर। भाई साहब यहाँ से ना एक दीदी ने देख लिया था इनको सेब ढूंढते हुए दोनों को, दीदी कह रही इधर आओ मैं देती हूँ तुम्हें सेब। ओ भाई दीदी गायब हो गई। ओ देखो दीदी कहाँ है, ये देखो वकील भागा। कितने सारे ले आई दीदी। चलो सुबह के नाश्ते का इंतजाम तो हो गया हमारा, चलो लाओ मेरा हिस्सा दो। कितने एप्पल भाई साहब, ये तो टेस्टी लग रहे हैं। मैं तो चार लेके आया। ओ भाई साहब वकील ने तो जेबों में भरे हुए हैं। मैंने इसको बोला ब्रश तो कर ले खाने से पहले, क्या कह रहा है इसने नई चीज बताई है। गूगल क्या कहता है? गूगल पे अगर सर्च मारोगे ना कि दांत को ब्रश करने वाले फ्रूट कौन कौन से है, तो एप्पल का जरूर नाम आएगा। तो क्या एप्पल खा ले दांत ब्रश हो जाएगा? भाई पुराने जो लोग क्या करते थे ये गांव वाले, इनसे पूछ लेना। ये सेब खाते ब्रश हो जाता है, ब्रश करते ही नहीं बिल्कुल। लो जी टाइम हो चुका 1:15, सब हो चुके हैं धीरे धीरे रेडी,
वकील भी पूरे तैयारी में एकदम सनस्क्रीन लगा रहा है, धूप ना लग जाए ना यहाँ की। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और अभी का सीन क्या है, हम हैं क्वार में। पहले हम सोचे थे यहाँ से आज वापसी निकल के रोडू चले जाते हैं, फिर दिमाग में है भाई इतनी दूर बाइक चला कर आए, इतना ऑफ रोड हमने कर दिया, यहाँ पर आए इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया तो क्या किया, थोड़ा आज लोकल घूमेंगे। जाने का वापसी प्लान हमने कैंसिल कर दिया, हेलीपैड जाएंगे, लोकल घूमेंगे, थोड़ा खुद देखेंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, कैसे कैसे लोग रहते हैं। बस आज का सीन यही है, एक्सप्लोर करेंगे हम क्वार को। पहले भी यहाँ पर आया था तब तो रुका भी नहीं था, अब दूसरी बार आया रुक के वापसी चला जाओ ना फिर मतलब ही नहीं बनता। अब आए हैं तो एक दिन तो रुके कम से कम, इतना टाइम हमने लगाया यहाँ तक पहुँचने के लिए, दिल्ली से यहाँ पहुँचने के लिए 4 दिन लगा दिए, फिर यहाँ पर टच करके वापसी चल जाए, मज़ा नहीं आएगा ना। एक्सप्लोर करेंगे फिर मज़ा आएगा। तो मैच खेलने जा रहा है क्या क्रिकेट का? हमारा होम स्टे है तो बढ़िया, मतलब उसका वॉशरूम इतना खास नहीं है लेकिन ठीक है, काम चला हुआ है, काम चलाना तो काम चल जाएगा। और यहाँ पर खाने की फैसिलिटी नहीं है अपने होम स्टे पे, बाहर निकल के जहाँ हमने बाइकें खड़ी करी है ना वहाँ जाके हमें खाना खाना पड़ता है। कल दाल चावल भी वहीं से बनवा के लाए थे, अभी चाय पियेंगे, देखते हैं कुछ बना हुआ मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो आगे पीछे देखते हैं कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। ये खड़ी अपनी बाइक्स और वो सामने शॉप है, मिलेगा क्या कुछ चाय वाय? मिलेगी चाय वाय खाने को? यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैं, चाय और यहाँ व्यू देखो। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? घर है ना मकान तो नीचे पे कितराड़ी। अच्छा नीचे है घर आपका? हाँ कितराड़ी। मेरी भी चीज दुकान है जी, मेरी भी बना दो। कान आपकी बाली? बाली अच्छी है। हमारा तो पुराना सिस्टम है, पुराना आदमी है, पता नहीं के जमान गया आजकल थोड़ी है। क्या क्या उम्र है आपकी? अब तो करना ही पड़ता है, खाना पे बनाता है सब कुछ करता है, खेत में भी करता हूँ सब कुछ करता हूँ। बच्चे आपके शिमला? हाँ रोडू। पुत्र मेरे बारे शिमला, लड़का मेरे रोडू उठे। अच्छा बच्चे बाहर है? हाँ बच्चा बाहर है। खा लो। हेलो वकील का दोस्त है मिलने के लिए। वकील देखो शकल देखो ना, समीरन लग रहा है। मैचिंग पहना नहीं है ना, बाइक चलाता ना हेलमेट पहनते हैं। हम बना था पहले यहाँ देखो कितना टेबल के नीचे पीछे देख ले, जेब में देख ले तूने अच्छे से, कहाँ रखी है? अरे यार यार मजाक करते हो। तेरी कसम अगर हमारे पास ग्लव्स, तेरे हमारे पास थे तेरे, तू बता तेरे ग्लव्स हमारे पास थे? दुकान पे छोड़ दिए थे ना, बाइक की चाबी छोड़ दी इसने कहीं पर, कहीं और जा रूम से लाई थी और क्या? पक्का हेलमेट में देख। लो जी बाइक पे निकलने का टाइम आ गया, इसने बाइक की चाबी कहीं रख दी। और यहाँ से क्या प्लान है, यहाँ से जाएंगे हम पहले हेलीपैड, हेलीपैड के आगे ना एक जगह है 4-5 किलोमीटर आगे, अशंदा धार उस जगह का नाम है। उसके बाद उत्तराखंड शुरू होता है लेकिन उत्तराखंड हम जा नहीं सकते, वो डेड एंड है। यहाँ के लोगों ने ना गवर्नमेंट से अपील करी हुई है अगर वो रोड बना देना तो यहाँ से हम सीधा उत्तराखंड निकल सकते हैं, हमें वापसी हिमाचल एंटर ही नहीं करना पड़ेगा, सीधा उत्तराखंड। लेकिन रोड बनी नहीं है, जगह का नाम है अशंदा धार, लास्ट गाँव है यहाँ का। उसके बाद हम जाएंगे वहाँ से घूम के पूरा यू टर्न मार के शिमला पानी, जो कि यहाँ का बहुत मशहूर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो लोकल चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। सही में नहीं है क्या चाबी? इधर पाई इसने बोला चाबी, मैंने बोला है 10 बार बोला है बाइक की चाबी हमेशा। बैग में तो नहीं डाली, बैग में देख ले एक बारी, गलती से डाल दियो, पॉकेट में देख लिया, सब जगह देख लिया। ये ना ये करता है ला, इसको लग रहा तूने जो पाई है, खा ले कसम, खा ले पानी की कसम, हाय पानी की कसम, बस पानी की कसम, थोड़ी झूठी खाएगा इसके पास नहीं होगी भाई। तेरे ग्लव्स हमने छुपाए थे, तू तब भी यही समझता था ना, ग्लव्स हमने छुपा लिए दुकान पे छोड़ दिए थे, हमारे पास नहीं है ये चाबी चुबी। देखो भाई हम जैसा मर्जी मजाक कर लेना, चाबियों के साथ मजाक नहीं करते, क्योंकि बाय चांस हमने छुपाई ना हो और ये ढूंढता रहे, हमने सच्ची में नहीं छुपाई। और ऐसे ऐसे ये ब्लेम लगाता है ना साला। हाँ। नहीं यार एप्पल पड़े, एप्पल पड़े से भी खा ले तू, बैठ रूम पे हमारे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो बाइक यहीं छोड़ रहे हैं,
साहिब और सुनीता की, दो बाइकें लेके जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर पूरा गांव है, आराम से एक्सप्लोर हो जाएगा। पैदल भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार हेलीपैड हुआ है और वो आखिरी रोड देखा है शंदरदार वाली, उसके बाद फिर पैदल थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। चले भाई चलो चलो। देखो यहाँ पर किराने की शॉप वॉप भी है, किराने की है, कपड़ों की है, बहुत सारी शॉप है। मतलब आपको कोई चीज़ चाहिए तो मिल जाएगी इजीली। और यहाँ की सारी रोडें ऐसी हैं, इस पे लोड ऑल्टो चला रहे होते सारे के सारे ना। तो भाई साहब क्या नज़ारा है, बहुत ही प्यारा है। देखो ये वाले फूल थे जो पूरे रास्ते में हमें दिख रहे थे ना, रेड 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 रेड, वो देखो जैसे सामने पहाड़ पे नजर आ रहे हैं, वो रेड रेड अलग सा कलर, यही है वो सारे फूल ना। देखो क्या पुराने पुराने घर बने हुए हैं, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है बच्चों की। मजा आ रहा है लोकल गलियों में घूमने का ना। ऊपर जाना है नीचे ये तो पूछना पड़ेगा। ऊपर या नीचे? पक्का नीचे? हेलीपैड तो ऊपर होगा मेरे ख्याल से। भाई कहां से निकल के चला गया वो? अरे बैठे रहो तुम। हंस रही है साहिबा, कह रही असली एडवेंचर तो आज हो रहा है पीछे बैठ के, खुद चला के इतना फेल नहीं होता पीछे बैठ के, जब डर लगता है ना भाई। ये देखो कैसे गलियों में से निकल रहा है ना, कितना बढ़िया लग रहा है। एम के बासु, ये देखो ये सीलियां जो घरों के ऊपर लोगों ने डाली होती है ना, ये सीलियां देख रही हो, ये घरों के ऊपर डलती हैं। बकरी जो कितनी प्यारी है, ओए ओए ओए, व्हाइट कलर की भी थी, वापसी भाग रही थी हमें देख के। हेलो डॉगो। वैसे हम अगर ये आते ना कुहार तो हम ये वाले रास्ते से आते, वो जो कल जहाँ वकील गिरा नहीं था वो वाला रास्ता दूसरा है सेकेंडरी, वहां से कोई नहीं आता। वो तो हम बाय चांस आ गए तो हम उस रास्ते से आ गए, नहीं तो पहले हेलीपैड आते उसके बाद यहाँ आते। ओ भाई पिछली बार जब मैं आया था ना पूरा गंजा था ये, अब एकदम इसमें घासें वासे उग गई हैं। ओ भाई नीचे का व्यू देख रही हो, क्या रोडें दिख रही हैं एकदम क्लियर नीचे, सुंदर भाई बहुत सुंदर। लो जी पहुंच गए हम लोग हेलीपैड, हेलीकॉप्टर यहाँ पर इमरजेंसी में लैंड करता है, ऐसा थोड़ी। बढ़िया बढ़िया, चाबी ऑफ कर दी ना, हाँ क्या सही नज़ारा है। अच्छा किया ना रुक गए आज, नहीं तो लोकल एक्सपीरियंस कहाँ ले पाते। ये देखो कितने सही लग रहे हैं पूरे रेड रेड। पूछना पड़ेगा ये कुछ है, ये कोई सब्जी है, खाने की क्या है। मजा आया वकील पीछे बैठ के? पीछे बैठ के डर लग रहा था लेकिन, है ना, पीछे बैठ के डर लगता है नेक्स्ट लेवल। कह रहा इससे बढ़िया अपनी बाइक चला लो, ज्यादा बढ़िया है। हेलीकॉप्टर तो पता नहीं यहाँ पर कब लैंड होगा कब नहीं, लेकिन हाँ यहाँ से हम अपना हेलीकॉप्टर उड़ा देते हैं। अभी पिछले 2 दिन जो हमने ड्रोन शॉट लिए थे ना, सारे के सारे मिट्टी हो गए, पता नहीं मेमोरी कार्ड करप्ट होगा, क्या हुआ क्या नहीं, बस भगवान से प्रे करते हैं। आज जो ड्रोन उड़ा रहे हैं, देखो ड्रोन उड़ाने में ना बहुत मेहनत लगती है, खोलो पूरा सेटअप करो उड़ाओ, फिर जगह जगह के व्यू रिकॉर्ड करो, और जब मेमोरी कार्ड लगाओ वो भाई साहब दिल दुखता है जब सब मिट्टी होता है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, भगवान चाहते होंगे शायद मेहनत ज़्यादा करवाने के लिए, दोबारा मेहनत कर रहे हैं। होम पॉइंट अपडेट हो गया, दोबारा मेहनत कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो जाएगा तो बढ़िया आपको दिख जाएंगे, नहीं होगा तो ऐसे ही यहाँ से व्यू दिखा देंगे, व्यू बहुत बढ़िया। वो देखो भाई साहब वो दोनों लेट गए वहाँ पर, वकील और साहिबाना, वो देखो इनको सामने। बढ़िया भाई बढ़िया, समीर ने अपनी बाइक वहाँ लगाई हुई है, 3-4 बंदे वहाँ बैठे हुए हैं, आई थिंक ताश वाश खेल रहे हैं। यहाँ हमारी खड़ी है बाइक और आसपास का व्यू एक नंबर, एक नंबर भैया एक नंबर।
भाई ड्रोन शॉट तो ले लिए, मैं बैठ गया बाइक की छाया में, हवा भी बढ़िया चल रही है, धूप भी तगड़ी है, और वहां ना कहीं पेड़ कट रहे हैं, जो पेड़ कटने वाली मशीन होती है ना उसकी आवाज आ रही है, ध्यान से सुनोगे तो आपको भी सुनाई देगी, लेकिन नजर नहीं आ रहा कहाँ कट रहे हैं, वहां कहीं से आवाज आ रही है। मैं तो यहाँ छाया में बैठ गया हूँ इसके नीचे ना ऐसे, ओके बढ़िया है, मजा आ रहा है बैठने में ना, ऐसे खुले से ग्राउंड में बढ़िया हवा चल रही है। देखो भाई अच्छा वाला छाया में बैठा होता मैं, ये दोनों यहाँ पर आ गए हैं, वहां बैठे हुए थे, मैं सोचा था यहाँ पर बैठ के ना सेल्फी खींचते हुए, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करा उछल के दोनों यहाँ पर बैग वैग वही छोड़ा है भाई साहब, चलो ठीक है बढ़िया है, अच्छी अच्छी फोटो क्लिक कर लो यार, कैसी बात करते हो आप, सही है बहुत बढ़िया है। तो मीरन तेरी फोटो खींचू यहाँ लोहे के बीच में से भाई, बढ़िया आ रही, मजाक नहीं कर रहा, हमारी कौन सा अच्छा है किसी का भी अच्छा नहीं है, इसको देखना ये काला कपड़ा पहन के घूमता रहता है, और मैं सिंपल लेके घूमती रहती हूँ, बचपन का आदत गया नहीं ना, क्या वो एटीएम लूटने वाला, अरे नहीं मंदिर से चप्पल उठाता था ये ताला चोर है ये, दिखाओ कच्चा चोरो, कच्चा चोरो हमें कह रहा, कच्चा चोरो कच्चा पहन के घूम रहा, और हमें कह रहा कच्चा, मेरी टी शर्ट गंदी कर दी ना, और ये देखो ये टी शर्ट देखिए आगे से दिखाई, टी शर्ट देखो ये स्पेशल मैंने बनवाई थी, एक बार भी नहीं पहनी, जट प्रभजोत बना हुआ है इस पे, मुक्का मार रहा जट प्रभजोत भाई मेरे, मुझे तो मार नहीं सकता, उसी को मार सकता तेरी। तो भाई साहब वकील महाराज हमसे पूछ रहे हैं वापसी जाने का प्लान, तो मैंने इसको प्लान बताया, एक बार आपको बता दूं, मैंने बोला देख भाई यहाँ से निकलेंगे हम कल वापसी रोडू से निकलेंगे परसों, फिर हम एक मंदिर के दर्शन करते हुए सराहन, लेकिन ये पता क्या कहता, अगर परसों रोडू से निकलेंगे तो कल क्या करेंगे रोडू में, फिर मैं उसको बोला कल यहाँ से रोडू जाएंगे ना भाई, कल का दिन भूल क्यों रहा है, कल यहाँ से रोडू जाएंगे, वो रोडू भी तो पहुंचेगा कम से कम 7-8 घंटे वहां पहुंचने में लगेंगे, हाँ परसों उसको लग रहा है बहुत दूर है, फिर परसों हम सराहन पहुंचेंगे, फिर सराहन में एक दो दिन हमने वहां पर स्टे करना है, वहां पर थोड़ा एक्सप्लोर करने का, उसके बाद वहां से निकलेंगे उत्तराकाशी यमुनोत्री घूमेंगे गंगोत्री घूमेंगे, उसके बाद वहां से उतर जाएंगे फिर ऋषिकेश की तरफ, फिर ऋषिकेश में 4 दिन योगा करेंगे, उसके बाद और नीचे उतरते उतरते पूरा 2-3 महीने का प्लान है, पूरे 3 महीने का प्लान मैंने इसको बता दिया, ये कह रहा भाई पर डे मेरे को 2,000 रुपए दे दिया करो, मेरे वकालत का हो रहा नुकसान, मैं कोई दिक्कत नहीं है, डन इसको मैं साल का पैसा इकट्ठा दे रहा हूँ, साल में कितने दिन होते हैं 365 ना, 2,000 रुपए के हिसाब से 365 कर ले, तो अभी के अभी पकड़ ले मेरे से, अब तो पूरा साल हमारे साथ ही है, ठीक है ना भाई आप लोग भी सेटिस्फाई हो, ये पूरा साल अब लोगों का कमेंट, लोगों के कमेंट आ रहे हैं, पहले बोल बकरी मैं बकरी हूँ, लोगों का कमेंट आ रहे हैं, वकील को अपने साथ ही रखो, पहले बोल मैं बकरी हूँ, क्यों समीरन सही आइडिया है भाई, बकरी हूँ वो हमें बकरी बोल रहा है, तू परमानेंट हो गया वकील, पहले तू बोल मैं बकरी हूँ, पहले खत्म हो गया, मजा आ रहा है यहाँ बैठ के ना, धूप भी लग रही है, धूप से हल्की खुजली भी हो रही है, लेकिन बाइक की छाया में हो ना इसलिए सही लग रहा है, कौन सी दीदी आ गई, हेलो दीदी घास काटने, हेलो किधर, हमें भी ले चलो दीदी, हमें भी ले जाओ, मुझे भी लगा लो काम पे दीदी, एक दिन दाढ़ी मुझसे ही ले लेना नहीं दे देना, ओ हां दे देना, 2,000 देंगे, पक्की बात है दीदी, हां जी 2,000, चलो अरे रे रे वो वकील है, मैं भी जा रहा हूं, उठो उठो सही में भाई 2,000 रुपए एक दिन का, क्या कर रहे थे दीदी, मजाक नहीं कर रही, लेकिन यहाँ के लोग मजाक नहीं करते, ये वो कटाई करने जा रहे हैं, वो जो घास वासी कटाई होती है ना, 2,000 रुपए एक दिन का, बच के आ गए तो यूट्यूब से जा रहा, तुम यही कमा लेंगे, हट जा मेरे को दिहाड़ी पे जाना है, शाम की रोटी का इंतजाम करना है, मैं जा रहा हूँ दिहाड़ी पे, तुम भी करो काम वाम कुछ, जो दोनों दिहाड़ी करोगे ना जब जाके 2,000 रुपए दोगे मुझे, 4,000 कमाएंगे हम दोनों, 2,000 हमारे खर्चे के लिए, 2,000 वकील को देंगे, तभी तो वकील को साथ रख पाएंगे समीरन और हम तीन एक साथ खर्चा चला ही लेंगे, ये वकील भाई आपको लग रहा है ये बहुत महंगा पड़ता है, हमें आपको लग रहा है ये बहुत सस्ता पड़ता है, वकील का खुद का अकेले खर्चा दिन का 4,000-5,000 रुपए बता दे, है कि नहीं है तेरा भाई, इसकी क्रीमें, इसके कपड़े, इसके जूते, हर जगह जाना है इसको, नए कपड़े चाहिए, नए जूते चाहिए, बहुत महंगा पड़ता है हमें, लेकिन ठीक है दोस्त है तो मैनेज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, भाई के लिए जान ना जी रहा, ये वाले चश्मे पहनो, मैं क्यों पहनूं ये वाले, अरे ये इससे धूप नहीं लगती, तो इससे भी नहीं लग रही मेरे को, अरे नहीं लग रही ना मेरे को धूप, अब लग रही है मेरे को, देना हाँ। अभी अभी हमारे दिमाग में एक चीज हो रही है, जब भी हम डिफेंडर लेके निकलते हैं ना भाई, कभी भी हम ऐसे पसरते नहीं है जैसे बाइक लेके पसरे हुए हैं ना यहाँ पर, कोई खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, बैग वगैरह है,
कुछ खाने पीने के लिए नहीं अपने साथ, लेकिन डिफेंडर में भाई भर के चावल दाल अटरम शटरम चाय पत्ती सब लेके जाते हैं, लेकिन कहीं नहीं रुकते। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, कहीं नहीं रुके ना, ऐसे 5-10-15 मिनट के लिए रुकेंगे, मैगी बना के खा के भाग लेते हैं। एक बार रुके थे, चाय बनाया था, बस चाय बनाया था, उसके बाद मैगी भी तो बनाया था। चलो 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 चलो, आज कोई जल्दी नहीं, आज पड़े हुए आराम से भाई साहब। सही है, वहीं से थोड़ी मैगी शैगी ले आते ना, या कुछ खाने पीने के बिस्किट ले आते हैं। चलो ठीक है, लेकिन दो दो समोसे खा के ना हल्का हल्का पेट भरा हुआ है, मजा आ रहा है। एप्पल पड़ी है मेरे पास, ट्रक वाले भैया एप्पल पड़ी तेरे पास, देख एक एप्पल खा लेते हैं, ला और क्या एप्पल ही खा लेते हैं क्या। हाँ उन्होंने बोला अभी था दीदी ने नमक डाल के खाना, खट्टा है क्या मेरा? ठीक है ना, मीठा है ना खट्टा है, कोई स्वाद ही नहीं है, लेकिन सेब तो सेब है। देखो देखा आपने अभी क्या भाई, घास में पानी जा रहा है तो क्या है? तू तो कहता है एप्पल धोते नहीं है, ब्रश हो जाता इससे सुबह। सुबह की कहानी अलग, शाम की अलग। सुबह भाई इससे मेरे को पता क्या कहा, ऐसी वकील थोड़ी कह रहा भाई, मैंने बोला ब्रश तो कर ले सेब खाने से पहले, कह रहा भाई गूगल पे सर्च कर लो, जब हम सेब खाते हैं ना दांत अपने आप ब्रश हो जाते हैं। अब धो रहा है बिना धोए, एक बार सर्च मान लो अगर मैं गलत कह रही हूं। तू सही कह रहा भाई, तू गलत बोल ही नहीं सकता, हम गलत है। हूँगा गेहूं, और ये थोड़ा बहुत गाय भी खा लेती होगी ना, ये गेहूं नहीं है ये कोदाय है, कोदाय खाते हैं इसको, हां दाने जो निकालते। ओ सब्जी बनती है इसकी? नहीं वैसी खा जाओ, पैरों के नीचे डालते फिर ऐसे करते हैं ना, तब निकलते वे दाने। ओ कितनी उम्र होगी आपकी, बोला तो आपको भी आई रे जो नहीं, उम्र इसलिए पूछ रहा हूं कि इतना बार आप उठा के ले जाते हैं ऐसे, हमें बोलो ना यहां से यहां तक जाना है, इतना बोझ क्या है, ये तो थोड़ा ही है, मैं उठा के देखूं एक बार, ये खुल जाएगा क्या? एक बार दोनों मैं उठाता हूँ, इसको उठा के देखूं कितना भार है। ओ भाई साहब, कितने दूर है आपका घर? गांव में, यहाँ जो है गांव। तो पैदल जाते हो ऐसे इसको लेके? पैदल। तो मैं साथ चलूंगा आज आपके। आज मैं आपके लिए काम करूंगा, ठीक है? चलो फिर, चलो चलो मैं आपके लिए लेके जाऊंगा, झोला आलू का पकड़ लेती हूं, ये भी मैं ही पकड़ूंगा। और कुछ है? बोतल है। और क्या है, इस बाइक को तो उठाओ, बाइक यहीं छोड़ दो ना, आप बाइक चलाओ मेरी। हम कह रहे हैं तो बोल सलाम, हमने रोटी खा ली तो बाइक चलाना। रोटी खा के चलाओगे? हाँ हमारे को नहीं आता है बेटा। अच्छा नहीं आता? ना नहीं आता है। आपके बच्चे तो हमारे जितने बड़े होंगे? हाँ वो है, और पोते भी है। पोते भी है? अच्छा पोते भी है, भी है पोते, मेरे को भी है। तो मेरे ख्याल से आपकी उम्र होगी कोई 60 या 58-60-65 इतनी तो होगी, बताओगे? है ना इतनी होगी ना, इनकी भी ज्यादा। भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा, 65 साल की उम्र में मैं नहीं उठा पाऊंगा ये। नहीं नहीं जो सच है वो तो सच है, मैं ऐसी बोल दूं। लेते हैं बेटा, हूं देश में ना। हां जी हां जी, हम फाड़ के लोग, हम तो काम करते हैं। तुम तो शेर के लोग हैं, हम गांव लोग। शेर के लोग तो चलते भी नहीं। हां सही बात है, हमें अगर वॉशरूम भी जाना हो तो बाइक लेके जाते हैं। हम तो फाड़ के लोग है, घास काटते है और बर्फ के बीच चलते है सारे, उसमें शुरुआत से मेहनत करी हुई है ना, आदत है। बच्चे से हमने यही काम किया है हमारा, शुरुआत से आपके शरीर को आदत है। आदत है हमारे को, आदत है आलस वाली, जहाँ पड़ गए वहाँ पड़ गए भाई। और इसको लेके ना जैसे आंटी जी खड़े हुए थे इतनी देर तक, उनको नहीं फील हो रहा था, वो तो नॉर्मल ही थे, अब मेरे कंधों को फील होना शुरू हो गया है कि मैंने ले रखा है बाहर, हल्का नहीं है ये, बोलने में मजाक नहीं है। अच्छा फिर मिलेंगे, ठीक है? ठीक है चलो ओके। आपके ऊपर ज्यादा जच रहा है ये, है ना? हाँ। एकदम सोचो ये चश्मा पहन के आंटी जी घास लेके जा रही हैं। यहाँ पर बोलेंगे विलायती आ गए आंटी जी। अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, हमने आंटी जी का फोटो क्लिक करी है, अच्छी अच्छी ना इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। फोटो दिखाऊं आपको? फोटो दिखाऊं कैसी आई है? फोटो दिखाओ, दिखाओ। है बढ़िया, ठीक है, ठीक है। सिर्फ इतनी मेहनत कर दी लड़के ने, आप कह रहे हो ठीक है। अच्छा है कि नहीं है? थोड़ा तो अच्छा आया, अच्छा आया ना, अच्छा है। चश्मे वाला फोटो कैसा आया, जूम करके दिखा।
है ना सुंदर। पीसते तब रोज बनाते। किसकी? ये लाल फूल की चोलाई है, ये चोलाई। अच्छा, इसमें से जो दाना निकलता है उसकी रोटी बनती है। चोला कहते हैं, चोला अपनी भाषा में बेथू बोलते हैं। बेथू देश में आती है हमारी फसल। ये लाल वाले ना, जो लाल लाल फूल दिख रहे ना इतने दिन से, ये बेतू है। बेतू लोकल भाषा में। मैंने बोला मैं घर छोड़ देता हूँ, कह रहे ऐसे बाहर मैं 10 बारी छोड़ा हूँ, छोड़ यहीं इसको उतार, मैं ही लेकर जाऊंगी, मेरा ले लो ले लो। संगा दूं आंटी जी? रुको तो। बाय बाय बाय। अब कब मैं यादों की तौर पे कुछ एक आलू तो देके जाओ, एक छोटा सा आलू दे दो। अबे क्या करना, खा जाऊंगा इसको उबाल के। हमें याद रहेगा ना आप मिले थे। पूरा हो जाएगा पेट। क्या हो जाएगा? पेट पूरा हो जाएगा, भर जाएगा पेट, भर जाएगा आलू। और शाम को सब्जी भी बनवाऊंगा ना। इनकी सब्जी पता नहीं कितनी बनेगी तुम्हारे। बढ़िया है भाई। आंटी जी एकदम ना हसमुख यहाँ के बंदे, मजा आ गया। देखो ये तो हम खड़े हेलीपैड पे, हवा तगड़ी चल रही है, धूप एकदम गायब हो गई है, बादल सामने आ गए सूर्य देवता के, और वहाँ से हम आए हैं इस हेलीपैड से। ये देखो ये रोड जा रही है आगे को, और वो रोड वो उन घरों के आगे से जा रही है। आगे जाके ना इस पहाड़ के पीछे एंड हो जाता है, उसके पीछे तो उत्तराखंड शुरू हो जाता है। और जो उत्तराखंड के गाँव है ना उनका नाम पड़ता है खन्ना धूणी, जो उत्तराखंड के गाँव है। और जो यहाँ का लास्ट गाँव है ना उसका नाम क्या था? अशरंधा। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था व्लॉग में, भूल जाता हूँ, थोड़े नाम ना हमारे लिए नए हैं ना, डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन नए हैं ना इसलिए ध्यान नहीं रहते। तो हम वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से फिर यूटर्न मार के वापसी आ जाएंगे, फिर उसके बाद अपने रूम पे निकल लेंगे, फिर थोड़ा लोकल घूम लेंगे, हल्का फुल्का खा लेंगे, मजा आ गया। लेकिन भाई साहब आंटी ने जो माहौल बना दिया ना A1। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, इसने अपनी बाइक का भी वो खोल दिया एग्जॉस्ट का, क्या कहते हैं इसको, डीबी किलर। क्या नहीं खुला? अच्छा, जिससे खोलना था। और एलएनकी का सेट जो हमने नया लिया था वो रूम पे रख दिया। इधर रखा रूम पे या उधर? इधर ही है ना। हाँ ठीक है, चल रूम पे जाके खोल लेंगे इसको। मैं कह रहा हूँ डीबी किलर खोल दे, चलाने में और मजा आएगा। लेकिन कह रहा है उसके बाद ना गाने नहीं सुनाई देंगे, हेलमेट में गाने सुन रहा होता है ना, गाने भी तो जरूरी हैं। और ये जो है ना ये खाते हैं भाई, मेरे को जो फूल लग रहे थे ना हमें समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने बताया इसको क्या कहते हैं, फिर मैं भूल गया। एक तो ऐसे ऐसे नाम है ना भूल ही जाता हूँ। ये दोनों पैदल जा रहे हैं कुंवार की तरफ, हम दोनों बाइक लेके उस तरफ जा रहे हैं, और हम ये वाली रोड से आए हैं। ये रोड देख रहे हो सामने, ये ऐसे 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 ऊपर चढ़ रही है, लेकिन हम लोग ऊपर से नीचे उतरे हैं, फिर ये वाला पहाड़ चढ़े हैं कुंवार वाला ना, वो आई थिंक सामने डोड रहा है जो रास्ते में आया था ना गांव। खूबसूरत तो है वैसे ये जगह है ना। देखो हम लोगों ने बाइक कहाँ लगाई थी, एकदम बिल्कुल कॉर्नर पे। चले भाई ऐसा लग रहा है वो रैली वाली रेस नहीं होती, हम दोनों रेस करने जा रहे हैं। पूरी मिट्टी है यहाँ, रोड बनी नहीं ना, गाड़ियां तो चलती हैं पर लोड ऑल्टो ही चलती है खाली। ये जो कैंपर वैन होते हैं ना 4x4, वो देखो सामने वाटरफॉल कितना सुंदर लग रहा है। जैसे जैसे हम इन गांव के अंदर घुसते जाते हैं ना सुंदरता और ज़्यादा दिखती रहती है। सुंदर तो होते ही है लेकिन हम बाहर बाहर से निकल जाते हैं, हमें फील ही नहीं होता, हम कहते हैं हमने ये वाला गांव टच कर लिया। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, हमने आखिरी जगह टच कर ली और उसके बाद फिर हम निकल जाते हैं, लेकिन टच ही करी ना खाली, अंदर तो घूमे ही नहीं। इस बार घूम रहे, मज़ा आ रहा है। साहब कहाँ हैं? ओ भाई साहब, हाँ सांप की खाल है, सांप है, क्या बात कर रहा है। ओ भाई साहब, समीरन वहां से निकला ना, सांप ने ऐसे करा, ये रहा। क्या बड़ा सांप है, ये देखो ये भागा 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 निकल गया। इसने तेरे को ऐसे किया था क्या? अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं ना ये देख रहा था एकदम से रेड रेड कितना सुंदर लग रहा है, मैंने सांप को देखा ही नहीं। ये भी शुक्र है बच गया, उसके ऊपर से नहीं निकल गए हम। मुझे लगा कि आपको ऐसा ना कर दे। ओह अच्छा। एकदम से समीर ने ब्रेक मारी, ऐसे किया, मतलब ये क्या है, कह रहा सांप, मतलब मेरे को तो दिखा ही नहीं, फिर मैं देखने आया। सही है, बचपन में होता था सांप की मौसी होती थी ना जिसकी लाल पूंछ होती थी,
एक लाल पूछ वाला छोटा कहता है उसकी पूछ को टच कर लो ना तो आपको मतलब बड़ा शुभ माना जाता है। हम भागते तो उसके पीछे टच करने के लिए। रोकी भी कहा है ना हमने चढ़ाई पे। चलो जी मारुति 800 पंजाब नंबर, इन घर वालों की होगी ये। गौ माता आ गई बहुत सारी। अच्छा बकरी भी, ओए बीच में पता ही नहीं लग रही थी ना, सेम गाय की हाइट के उधर गाय के पीछे छुप छुप के जा रही है, इसके पीछे कैमरे में कहते दिखाओ, ये देखो देखो निकल गई। बकरी ज्यादा डरती है ना, गाय वाय नहीं तो डरती। सोच हम इसी गांव में रहते होते रोज ऐसे बाइक लेके निकलते आसपास हांडने के लिए, आज ये जगह एक्सप्लोर करेंगे, आज ये जगह एक्सप्लोर करेंगे। वो भाई फिसल रही है, गीली मिट्टी है। हाँ बात तो ये भी सही है। अभी कह रहा हम तो एक ही दिन में पूरा घूम के खत्म कर देंगे। नहीं नहीं फिर दूर दूर जाया करेंगे ना थोड़ा। मेरे को लग रहा है ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट आने वाला है। कहाँ ही हम बाइक चला रहे हैं, देखो ना इस तरफ बिल्कुल खाई, सामने सुंदर नज़ारा, रास्ता ख़त्म यहाँ पर। और पीछे दो चार घर निकले थे, मेरे ख्याल से वही जगह होगी। वो क्या नाम था अश्र, एक तो नाम भूल जाते हैं नाम, जो नाम हमने बताया था वही वाला नाम। ये देखो एंड बिल्कुल, यहाँ से पैदल आप जा सकते हो। मेरे ख्याल से पैदल तो बंदे उत्तराखंड निकल सकते होंगे यहाँ से, है ना। पैदल का रास्ता होगा, रोड वोड नहीं होगी। जो माउंटेन देख रहे हो ना जिसके नीचे हम खड़े हैं, लास्ट है हिमाचल का। यहाँ से आगे निकल जाओगे ना उत्तराखंड चालू हो जाता है, और ये बिल्कुल डेड एंड है। ये देख रहे हो जगह ही नहीं। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, क्या तूने एरो देखा? लग रहा है ना एरो बना हुआ है, पूरा एरो है ये तो। हाँ, पूरा एरो पत्थर का एरो बना हुआ है कि अगर आपको उत्तर, हाँ वही गांव तो दिखा रहा है, ये टोटरा ही तो है। कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम कलरफुल था। और बारिश चालू हुई हल्की हल्की ना, ये देखो एकदम बादल बने आए हैं। एरो देखो भाई, हम पहुंच चुके हिमाचल और यूके के बिल्कुल बॉर्डर पे। हाँ ये समझ लो हम बॉर्डर पे खड़े हुए हैं हिमाचल उत्तराखंड के। तो वो लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ से भी अगर रोड बन जाए ना वहाँ तक की, तो इजी हो जाएगा लोगों के लिए भी और जो घूमने आता है उनके लिए भी। होता क्या है जैसे हम यहाँ चंचल पास तक घूमने के लिए आए हैं, अब यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं है, हमें इसी रूट से वापसी जाना पड़ेगा। लेकिन अपने को क्या मजा आता है कि हम मनाली से निकले लद्दाख के लिए और घूम के श्रीनगर से वापसी है, पूरा सर्किट हो गया ना। बारिश चालू हो गई है, ठंड भी जैकेट भी नजर आ रही है, बारिश गिरा लगेगी। चलो निकलते हैं टाइम से, इससे पहले बारिश बढ़ जाए और हम गीले हो जाए। देखो यहाँ से हम पैदल चल के आए हैं इन पत्थरों के बीच में से निकल के। लाने को तो वैसे हम यहाँ से बाइक भी ला सकते हैं, लेकिन बेफालतू के पंगे लेने क्यों आगे। यूट पत्थरों पे कहीं लग जाए कुछ लीक हो जाए, टायर पंचर हो जाए, हाँ। कुछ हो जाए और पता चले आगे रास्ता ही नहीं है यूटर्न मारने का, बैक लानी मुश्किल हो जाएगी। बाइक देखो कितनी सुंदर लग रही है यहाँ पर दोनों की दोनों। चलो जी मौसम बिगड़ता हुआ, बूंदाबांदी चालू हो गई है, मौसम एकदम ठंडा हो गया। वहाँ बैठ के धूप लग रही थी ना, हाथों में खारिश होनी चालू हो गई थी। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है तगड़ी बारिश आने वाली, तगड़ी। टाइम से निकल लेते हैं, यूटर्न मारने की जगह भी थोड़ी सी है, हल्की सी बाइक आगे तो समझ लो निपट गए। इन बाइकों को लाने का ना फायदा हो गया, हम कोई और बाइक लेकर आए होते ना 1200 या 1250, यहाँ चलाने में डर लगता। बहुत छोटी रोड है और इतने सारे पत्थर है ना, ये बाइक लाइट है ना कहीं पर भी कुदा दो, और बाय चांस गिर भी जाए, भगवान ना करे बाय चांस गिर भी जाए तो अकेला बंदा आराम से उठा लेगा इसको। लो जाते टाइम हमें सारी गाय दोबारा मिल गई है, धीरे धीरे निकल लेते इनके बीच से। ये आ रहा बकरी ना, अकेली भाग रहा आगे आगे। ये भाव ऊपर ही चढ़ गया, कह रहा पहले तुम ही निकल जाओ, तुम जाओ फिर मैं आराम से नीचे उतरूंगा। बकरी होती प्यारी है ना। ये गाय महाराज यहाँ से जा रहे थे, हमारे यहाँ आते ही ऐसे हो गए हैं। हाँ पहले इस साइड घास खा रहे थे, वो देखते कैसे दिख रही है वो हमें। भाई ये डरने वाली नहीं, ये पता कौन सी वाली है, ये वो है सींग मारने वाली। देख 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 डरी नहीं थी। छोटो ए छोटो कह लो, हाँ ये वो ही है भाई, सेम इसकी ऐसी शक्ल होती है उसकी, वो जो भाग के आती है ना सींग मारती है एकदम से। हमने हाँ पिछवाड़े में मारती है, हमने बहुत रीला ऐसे देख लिया, आज तक सींग खाए नहीं है, लेकिन हमें मिले तो सही मजा आएगा एक दो सींग खाने में। ये लो जी हेलीपैड पे पहुंच के वापसी। कहाँ तगड़ी धूप निकली हुई थी यहाँ पर, देखो सूर्य देवता गायब भी हो गए हैं। लो जी वापसी पहुंच गए हम लोग कुवार। वो लोग तो पैदल पैदल मेरे को लग रहा है घर भी पहुंच गए होंगे। देख दरवाजे देख समीरन, देख रहा है लॉक कैसे पुराने ज़माने के एकदम, कैसे ताले लगा रखे। ये खिड़कियाँ होंगी ना, ना यहाँ से अंदर थोड़ी घुसते होंगे। हे
हेलो एप्पल दे दो, एप्पल 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 खाऊंगा। अच्छा झूठा है, कह रहा है झूठा है। यह पैदल घूमने में मजा आएगा ना, बाइक रख के पैदल आते हैं। इस दुकान पे बहुत भीड़ है भाई। हाँ टीवी लगा हुआ है ना। ओए तीन मुर्गे, ओ बड़े सारे हैं, छोटे छोटे भी हैं, भाग लिए। ये देखो यही पत्थर मैं आपको दिखा रहा था, छत है ना इसी पत्थर की बनी होती है। जिनके पास, मेरे को लगता है जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनकी टीन की छत होती होगी, जिनके पास कम होता है ये पत्थर की छत होती होगी। कुछ ना कुछ तो होता होगा यहाँ पर भी, है ना। अब ये देखो ये घर नया बना है, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ, और टीन तो वो ठंडी हो जाती होगी बर्फ में। कैसे हो? हाथ ताली तो दो। ये बात कहाँ घर जा रहे हो? स्कूल की छुट्टी हो गई? कितने बजे हुई है? 4 बजे। अब क्या करोगे घर जाके? खेलोगे, सो जाओगे, टीवी देखोगे, पढ़ोगे? अरे वाह। लड़कियां शर्मा गई। छोटी छोटी किराने की दुकान बहुत है, देख जूते भी रखे हुए इन्होंने। हाँ लकड़ी का बाल्टी, अच्छा जी। समीरन कह रहा पीछे एक बाल्टी दिखी है, लकड़ी की बाल्टी कपड़े धोने के लिए। बोला चलो आओ देख लेते हैं करने क्या आए यहाँ पर। अच्छा वो परात सी, हाँ हाँ अच्छा हाँ, जो पिक्चरों में देखी हमने, उसके अंदर ही धो रहे होते हो घिसके, है ना। लकड़ी का बना रखा है ना, ये देखो आप क्लियर दिखेगा, ये पूरा पेड़ होगा ना। हाँ पेड़ को अंदर से खोखला करके, और ये लकड़ी भी ऐसा होगा जिसको पानी में वो काई वाई नहीं रखती होगी, है ना। देख पानी में पड़ी हुई है, नीचे पत्थर तो रखे हुए लेकिन इसके अंदर कपड़े धोएंगे तो भाई काई वाई भी लग सकती है ना, खराब हो सकती है। हाँ सर अभी वहीं रखा हुआ है, बढ़िया चीज है। पानी आ रहा है, यहीं पे कपड़े धो, ले जाओ, बढ़िया है, यहीं पे टांग दो। ये चीजें यहीं देखने को मिलती है भाई। वो देख पानी पीने के लिए यहाँ पर लगा रखा है, स्कूल के बच्चे पानी पी रहे हैं ना, प्यास लगे रस्ते में पीते हुए जाओ। अपने रंग वाली जिप्सी बाइक पे बहुत घूम ले, बाइक लगा देते हैं, पहले उन दोनों को देखते हैं ना वो दोनों कहाँ हैं। और बाइक देखो हमने कहाँ लगाई है, रात को तो आपको पता नहीं लगा होगा। यहाँ तो बीच में भी लगा सकता है। ओ भाई साहब वो देखो कहाँ लेके जा रहा है बाइक, ये अंदर छत के नीचे कर दी इसने, अच्छा ना बारिश में धुल जाता। ओ भाई देखो थोड़ी बहुत तो गीली हो गई है बाइक ना, तेज हो गई थी बारिश। स्कूल के बच्चे वहाँ से देख रहे हैं, एक्चुअली क्या है ना यहाँ के बंदों ने या बच्चों ने ऐसी बाइकें देखी नहीं है, और आवाज़ आती है ना उनको लगता है क्या चीज़ है ये, टीवी पिक्चरों में ही देखी होगी। पहले हमने भी कहाँ देखी थी, मैंने नेपाल में जाके देखी है CRF, जब हमने नहीं देखी थी तो यहाँ के बच्चे कहाँ से देख लेंगे। तीनों ने देखी है तो वो देखो सारे हैरान होकर वहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं। कैसे हो, स्कूल की छुट्टी हो गई है? पहले अरे कहाँ जा रहे हो, डर क्यों रहे हो, डर शर्मा रहे हो? फिर हेलो बाइक देख रहे थे वहां से, बाइक हैं, अच्छा लग रहा है, ऐसा बाइक है यहाँ पर नहीं है, नहीं है ना, देखो ना आराम से, डरो मत, बिना डरे देखो यार, ऐसे डर के देखोगे तो क्या फायदा। तुम्हें आता बाइक चलाना आता है वैसे? नहीं आता। घर पे है बाइक किसी के पास? नहीं है। यहाँ पर बाइक कम है ना, यहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा है। हाँ सही है। सबसे होशियार कौन है तुम चारों में से पढ़ाई में? ये लग भी रहा है वो शक्ल से। सीरियस बच्चा होता ना एकदम ऐसे कोने में खड़े रहने वाला, लेकिन घर पे जाके पढ़ता होगा। चलो अच्छा लगा मिलके। चॉकलेट खाओगे क्या? हैं नहीं खाओगे? चलो ठीक है, अगर खाओगे तो मैं यहाँ से लेकर देता हूँ, पक्का? चलो ठीक है, बाय 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 बाय। ये देखो यहाँ हमने बाइक खड़ी करी है, वहाँ हम चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, और ये देखो यहाँ पर सरकारी बैंक भी है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक, सीमित ओके बढ़िया है। और यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड भी है, कल यहाँ पर आके हम रास्ता भूल गए थे, भूल नहीं गए थे, हमें पता नहीं था जाना कहाँ पर है। एक होम स्टे यहाँ पर भी है, एक्चुअली होम स्टे यहाँ पर बहुत सारे हैं लेकिन इस मौसम में ना बंद हो जाते हैं। अभी क्या है ना, और 15-20 दिन बाद यहाँ पर बर्फ पड़ जाएगी, मेरे को तो लग रहा है आज रात को ही ना बर्फ पड़ जाए, जिस हिसाब से मौसम हो रहा है। हाँ। एकदम बारिश बारिश हो रही है ना, और बारिश ही तो बर्फ होती है, ज्यादा ठंडा हो तो बर्फ पड़ने लग जाती है। अगर बर्फ गिरा और तो हम फंस गए, खत्म, फिर हेलीकॉप्टर से जाएंगे, फिर जाएंगे ही नहीं, हमें कौन सी जल्दी है, यहीं पड़े रहेंगे, रोज आपको बर्फ दिखाएंगे।
ये देखो वो वहाँ से हम आए थे, इस ग्राउंड में खड़े हुए थे, फिर यहाँ से बाइक लेके यहाँ से ऊपर करके यहाँ हमने बाइक लगा दी। ये देखो फोटोकॉपी की दुकान भी है सामने। कहाँ पर एसडीएम ऑफिस? ओ ये एसडीएम ऑफिस है। जो सबसे मेन मोड़ है ना यहाँ का कुंवार का, वो यही वाला है। सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ यहीं पार्क होती है। एसडीएम ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, होम स्टे हो गया, सब कुछ यहीं पर है जो है। और वो घर देखो कितना सुंदर लग रहा है ऊपर, कहाँ कहाँ घर बनाए हुए ना, इनको क्या व्यू दिखता होगा ऊपर से, सुंदर एकदम। वकील देखो पार्लर जा रहा है, इसको पार्लर नजर आ गया। ये देखो मेकअप कराने जा रहा है, अपनी आईब्रो शाईब्रो बनवाने जा रहा है। जा जल्दी आइयो, लेकिन हम मैगी खा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो चला गया पार्लर में, चलो सही है, इसको भी तो मेकअप कराना ना भाई, थोड़ा बहुत पार्लर देखे भाई, रुक तो ही नहीं है। जहाँ पार्लर दिखे मेरे को तो पार्लर जाना ही, आईब्रो शाईब्रो बनवाने के। और बारिश चालू होगी, हल्की हल्की मैगी खाते। वो देखो वो चढ़ गया, वो बच्चा चढ़ भी गया। मैं वकील को कह रहा था तू चढ़ जाओ पर आईफोन दिलाएंगे। वकील ने कहा मुझे नहीं चाहिए आईफोन, आईफोन मैं जा रहा हूँ पार्लर, पार्लर के। हाँ वो कह रहा है आईफोन जोड़ो, पार्लर के पैसे दे दो, मैं आईब्रो बनवा के आ जाऊँ। भैया के हाथ में मिल्क शेक देख रहे हो, भैया ना बाहर खड़े हुए थे। भैया इससे क्या बोला आप बताओगे, मैं बताऊँ? भैया कह रही मिल्क शेक मिलेगा, भैया ने बोला मिल जाए, कह रहा यही वाला जो आप पी रहे हो, इलायची वाला। भैया अपना ही दे रहे थे, इलायची है इसमें। अब तो पिस्ता वाला नहीं है, सुंदर लग गया है ना, बढ़िया अच्छा लग रहा है। इसका आईब्रो ना पता नहीं चल रहा, लेकिन पिस्ता वाला है। और ये भी कहा था आदिया अच्छे बनवा के आए। ओ भैया, भैया तो अपना ही इसको देते, ये वाला शेक कर रहे, ये वाला पी ले। फिर इसने बोला नहीं नहीं नया वाला पिला दो, हम पीने का नई बोतल लेंगे। और कोई फ्लेवर नहीं है? तो अंकल को हमने बोला मैगी दे दो, अंकल पैक करके दे रहे थे थैली में, ये पॉलिथीन पड़ी हुई है। मैंने बोला अंकल यही बना दो, वहाँ पर बनाने का जुगाड़ नहीं है। अब वो बर्तन धोने गए अंकल ना वहाँ पर। चॉकलेट खाएगा? चॉकलेट कुछ तो बोलो, यहाँ के बच्चे शर्माते रहते, बोलते नहीं है। चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट नहीं बोल रहा। लो बिस्किट खा लो, ठीक है। हॉस्पिटल देख रहे हो यहाँ का, पूरा बेड वेड सब कुछ लगा हुआ अंदर। ड्रिप पड़ी हुई है, सही है। ऑक्सीजन का सिलेंडर ही पड़ा हुआ है। एलपीजी का सिलेंडर पड़ा हुआ है। अंकल मैगी बना रहे हैं और बारिश चालू हो गई भाई। मंदिर जाने का प्लान थोड़ा हमने पोस्टपोन कर दिया, अगर रुकेगी तो जाएंगे, नहीं रुकेगी तो देखते क्या करेंगे। वो देख रहे हो घास का क्या कर रहे हैं, ये पैक करने की तैयारी हो रही है सर्दियों की ना, पूरा ऐसा रोल करके इसको पैक कर देंगे। ये देखो ये साहब औरों को रास्ते में मिला था, पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। इसको मैगी खुशबू आ गई है, हमने अपनी मैगी बटर डलवाया। ओए क्या डाल रहा हूँ उसमें से निकाल निकाल के, टमाटर मिर्ची, अच्छा मिर्ची है। हमने अपनी मैगी बटर डलवाया, उसने नहीं डलवाया। और वकील खा ही नहीं रहा कुछ भी, पता नहीं क्यों भूखा रहता पूरा दिन। वो कह रहा मेरे को दे दे, उसकी कटोरी में डाली जा रहा है, मेरे को दे दे मैं खा लूंगा। बकरी का बच्चा जा रहा है आराम से बैठ के। ये वकील जितना बाहर होगा आराम से, जितना तेरा बाहर है ना उतना ही ये इनके पीछे बाहर होगा। कल से हम यहाँ देख रहे थे ना, वो वहाँ चाय पी रहे थे और यहाँ देख रहे थे कि कितना पुराना घर है। ये घर नहीं है भाई, ये शॉप है। ऊपर ऊपर है, ये देखो क्या क्या मिलता है। बच्चा सीढ़ियाँ देखो ना भाई कैसी थी हैं, एक ही बंदा चढ़ सकता है इस पे से। छोटो को हेलो, छोटो को हेलो। अभी मेरे को शादी की शॉपिंग करा रहे हैं। शादी की शॉपिंग करा रहा हूँ, शादी की, शादी की शॉपिंग। भाई शादी की होने क्या लिया तुमने यहाँ से? मैंने लिया है अपने लिए भाई, ये देखो छोटे छोटे वकील, ये तेरे बालों पे आ जाएंगे। मैंने लिए थे पर मैंने फिर रख दिए, मैंने कहा ये छोटे छोटे बालों पे आएंगे। बिंदी बिंदी दीदी, कितने टाइम से आपकी ये शॉप, कितने टाइम से? एक साल ही हुआ। सीढ़ियाँ बढ़िया थी ना जिससे तू आया यहाँ पे ना, मैंने एक पैर किसी तरह फंस फंस के आया। मोटा बंदा नहीं आ सकता इन सीढ़ियों से। ऐसा लगता है ना स्कूल जाने से पहले मम्मी अपने बच्चों को तैयार करती है ना। मैं इसकी मम्मी हूँ। कपड़े इसको मैं दिलाती हूँ, जूते इसको मैं दिलाती हूँ, और आईफोन। ये बच्चा महंगा पड़ता जा रहा है धीरे धीरे ना। सही है ना, दिखाइयो यहाँ पर शक्ल।
चल भाई बढ़िया लग रहा है। दीदी को दिखा, दीदी को दिखा। दीदी अच्छा लग रहा है ये बच्चा। चलो 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 फिर बात। अब ऐसे ही घूमना तूने पूरा दिन। दूध की बोतल मांग रहा है ये। मैंने बोला ऐसे ही घूमना पूरे दिन, करे क्या मिलेगा उसके बदले। भाई साहब जब से इसके बाल कलर कराया ना 20,000 रुपए दिए इसको, तब से इसको कुछ ही बोला ना ये करना पूरे दिन क्या मिलेगा। चल ठीक है तेरे को मैंने ये दिलाई ना बोरोप्लस की डब्बी इसके बदले। वकील फंस गया देख सीढ़ियों में, पूरा भी नहीं आ पा रहा। मोटा बंदा भी उतर सकता है यहाँ से ना आराम से। हम जा रहे हैं बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए। वो भाई साहब लेट के बॉल पकड़ी है, उसको देख सबसे आगे आगे जा रहा है। कितने रुपए? 10 रुपए लगेंगे। हाँ भाई साहब एक बंदे के 10 रुपए। चलो ठीक है टीम हो गई, हम चार तुम चार। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुम चार हम चार। 10 रुपए दे दिए एक बंदे के, 40 रुपए हो गए ना चार बंदों के। डन है आ जाओ। गीला की सुक्का। हाँ गीला की सुक्का, पहले गीला तो कर। गीला का करे तूने? ये तो गीला कर दिया। चलो गीला की सुक्का। अरे तू तो मेरी टीम में ही है ना, ये मांगेंगे। अच्छा ये कह रहे वो चार और हम चार, वो हमें नहीं ले रहे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बताइए सभी रन गीला की सूखा। चलो उछाल उछालेगा तब बताएंगे ना। सूखा गीला 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 बैटिंग क्या उन्हें सूखा बोल दिया गीला बोल दिया। ओ चिट्टी वो शुरुआत में चिट्टी हो गई है। भाई साहब ये नई चीज हुई है गीला की सूखा। करा की करा ले भाई आ गया सूखा आ गया। अब आ जाओ अब आ जाओ, ये नई चीज देखी हमने गीला सूखा। तुम भी लोग भी ये करा करो, थूक फेंको गीला या सूखा। ठीक है भाई बाउंड्री पे छक्का मारोगे तो आउट है, बॉल ना खो जाए ना पारी हो जाएगी नहीं तो। अच्छे से खेलना जीत के आना ठीक है। यस 40 रुपए की शर्त लगी है, चाहे हारे या जीते हमें 40 देने ही देने हैं। तीन ओवर का, चार ओवर कर लेना, एक एक ओवर सारे खेल लेंगे। चार चार ओवर चार ओवर चार ओवर हाँ ठीक है। चलो दूसरी बॉल है ये। भागो भागो अभी और रुक जाए। बढ़िया हार गया 10 रुपए तू। चौका धीरे धीरे बोला कब आएगा। मेरे को भी लग रहा धीरे आई है ना। नहीं नहीं आउट हो गया भाई साहब। अरे बीच का बिच्छू भी तो है हमारे पास, बीच का बिच्छू। अब ये बीच का बिच्छू और सिर्फ साहिबा ही बची है और रन है हमारा सिर्फ एक। एक रन भाई साहब बच्चा। भागो 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 भागो। चौका हो गया, ओए चौका हो गया भाई साहब। 5 रन हो गए हमारी टीम के, 5 रन, 5 इसी ने बनाए हैं। हमें तो समझ ही नहीं हम आउट कैसे हो गए हैं। 5 रन हो गए ना 5। हाँ ठीक है भाई साहब, रोज क्रिकेट खेलने को मिलेगा ना, हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं फिर है ना। रोज सुबह शाम क्रिकेट ही खेल रहे हैं। लो भाई ये भी आउट हो गई, सारे के सारे आउट। अब कोई नहीं है वकील कर, आपको ना का बैटिंग पे। अब फील्डिंग करने का टाइम है। ओए इसका मत देना बॉल, पहले मैं कराऊंगा बॉल, कसम से कह रहा हूं सबको आउट कर दूंगा, सबको आउट कर दूंगा। क्यों 80 क्यों हो गए? हां टोटल 11 है कोर गेम के भाई साहब, इसी ने हमें हरा दिया। दूसरे प्लेयर की तो बैटिंग ही नहीं आई है, 2 चौके वाले गेम खत्म। कितने रुपए जीत गए तुम अब? 40 रुपए जीत गए भाई ये 40 रुपए। दूसरा मैच चालू हो चुका है। अबे छक्का क्यों मार दिया, आउट हो गया। धीरे नहीं मार सकता था, ले भाई निपटा दिया भाई साहब, आउट हो गया। छक्का मारना आउट है, इनकी जगह इनकी टीम इनके रूल सब कुछ, बैट भी इनका बॉल भी इनका, इन्हीं के रूल। आउट हो गया भाई साहब, मेरे को लग रहा है दोबारा 40 रुपए हम हारने वाले हैं। भाई वकील बच गया, ऊपर टप्पा खा के गया ना तो चौका हो गया। 4 रन हो गए हमारे, ले अब गया अब गया वो। भाग 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 भाग। चार चार छक्का है भाई, उड़ के गया, उड़ के गया। हाँ उड़ के गया छक्का भाई। 13 रन हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये मैच जीत के जाएंगे।
कैच आउट होना था। सिक्स ठीक सिक्स बॉल वापस आ गई देखो बॉल वापस आ गई ना और वहां जाता आउट होता है ना तो अगर बॉल चली जाए लेकर आनी है तो आउट होता है। चलो छक्का हो गया हमारे भी रूल है 25 रन हो गए। फोर 29 लास्ट बॉल 29 रन बढ़िया बढ़िया। देखो बच्चा अखरोट लेकर आया था हमारे लिए खा रहे हैं और बॉल खो गई है। ऐसा शॉट मारा मैच थोड़ा सा रद्द किया गया है रद्द कर दिया गया और बारिश भी हो गई है ना बारिश की संभावना है। संभावना नहीं बारिश आ गई है। पिच ढको पिच पिच ढको फटाफट बारिश हो रही है नहीं मिल रही। चलो भाई हमारे 31 रन हो गए थे ये मैच हम जीतने वाले थे उसमें बॉल खो दी और पहला मैच हम हार गए अब क्या करें। चलो रेडी 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 बॉल फाइनली वापसी मिल गई है हमने 51 रन बना दिए 52 रन चाहिए जीतने के लिए। अबे रेडी 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 ओह ये काम आ रही है बॉल भाई साहब उम्मीद है ये मैच हम जीत जाएंगे। क्या कह रहा कह रहा है ये जो विकेट कीपर है वो लड़का है या लड़की है। वकील इधर आ तेरे से सवाल है ये बच्चा पूछ रहा है। अरे इधर आना अरे बच्चे के सवाल का जवाब तो देके जा। ओ आई नहीं रहा भाई साहब भाई हमें नहीं पता उसी से पूछ ले तू लड़का या लड़की है मेरे से पूछ रहा। क्या नाम है चिराग अद्वित अंशुमन दो बंदे वहां से बोल ला रहे हैं फाइनली जीत हमारी हुई है। एक मैच ये लोग जीते एक मैच ये लोग जीते एक मैच हम लोग अब ठीक है ना अब बराबर बराबर हाँ चलो ठीक है एक मैच ये ड्रॉ हो गया ड्रॉ। क्या नाम है भाई हैरी पॉटर हैरिक एक कौन रह गया ये रह गया क्या नाम है अंश ये सबसे ज्यादा खुश है। चलो ठीक है भाई एक मैच ये एक मैच हम बराबरी अब जा रहे हैं वापसी। चलो भैया चीयर्स है मेरे को क्यों दे रही है चाय ये अपनी चाय ना बांटने के चक्कर में देखो ये बांट ये जीत के खुशी में हमारी चाय चल रही है। आज हम जो आखिरी वाला मैच जीते हैं ना भाई तेरी चाय में भी चाय डाल दी इसने बिना पूछे देख बुलबुले बन रहे हैं ना तो भी कौन पूछता है भाई जीत की खुशी में दोस्तों भी नहीं पूछते ना नहीं इसके मुंह में डाल देते। लो जी शाम के हो चुके हैं 6:35 और बाहर हो चुका घंघोर अंधेरा यहाँ ना अंधेरा जल्दी हो जाता है और खाने पीने का सामान हम लेकर आ चुके हैं सारा का सारा वहाँ पर सारा अपना चार्जिंग सेटअप करा हुआ है हेलमेट वो रहा ये शुक्र है एक एक्स्ट्रा जुराब का जोड़ा मैं लेकर आया था वो पड़ा हुआ क्योंकि इन जुराबों में से इतनी बदबू आ रही है ना जूतों के अंदर पहले मैं सोचा था धो दूँ लेकिन यहाँ पर सूखेगी नहीं बाकी अभी सारा हम संभाला संभाली कर रहे कोशिश करें कल टाइम से निकल जाएंगे। तुम क्या कर रही हो ये देखो ये नेल पॉलिश लगाने लगी यहाँ बैठ के कौन सी नेल पॉलिश तुम कुछ तो कह रही थी मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी। देखो मैं कह रहा था ना नेल पॉलिश लगाएगी जिस हिसाब से साफ कर रही थी देखो नियॉन कलर की लगा ली है नियॉन कलर मेरा फेवरेट है ना इस हाथ में नियॉन उस हाथ में भी नियॉन हाँ। बढ़िया लग रही है बढ़िया। लो भाई कादा आ चुका है तो समीरन आगे आगे था वकील पीछे पीछे था वकील पहुंचा ही नहीं फिर समीरन देखने गया क्या कर रहा था भाई ये नीचे गिरा हुआ था लेटा हुआ था दाल तो नहीं गिराई भाई साहब। लो भाई दाल चावल आलू शिमला मिर्च रोटी और कुछ है क्या सैलेड रह गया ना प्याज हाँ सैलेड भी दे दो उसको देखो कहाँ कोने में बैठ गया भैया ने एक प्याज काटा तीन पीस किया वो तो खाएगा नहीं ये नहीं पता सबसे ज्यादा प्याज आजकल वही खा रहा है खाना के टेस्टी है ना भाई एक नंबर भाई एक नंबर उसका घुटना छिल गया घुटने के बल गिरा दिखाइए चोट खाने के दिखाइयो वो देख रहे हो ऊपर लाल सा निशान पड़ा हुआ है बोरो प्लस लगा रहा है घुटने के बाहर बैठा हुआ था ऐसे दाल लेके वो तो समीरन पहुंच गया तो दाल बच गई अगर तो दो मिनट और लेट होता ना इन्हें दाल फेंक देनी थी ऐसे करके क्योंकि इसकी वाली तो पहुंच गई थी कटोरी हमारी वाली नहीं पहुंची थी ये भाई लेकिन आज का दिन भी बहुत बढ़िया रहा मजा आया मतलब यहाँ पर स्टे करके ना अच्छा डिसीजन है स्टे करा थोड़ा लोकल घूमे है रुक जाएगा रुक सकते हैं लेकिन रुकना नहीं है ना इसका काम चल रहा है ना तेजी में रोज के 50-60 हजार रुपए आते हैं इसके पास अकाउंट में कहाँ से आते हैं तेरे पास रोज के 50-60 हजार बता दे एक बारी क्लाइंट से
मोटे क्लाइंट फंसा रखे, इसने अपने केस में ना उलझाता रहता, वो केस चलाता रहता, सुलझ भी रहा होता ना, सुलझाता नहीं है। 50-60 हज़ार रुपये इतने मतलब EMI बना लिए महीने की ना, पैसा ही पैसा। बाकी ठीक है, होप करते हैं आपको आज के वीडियो में मजा आएगा। यहाँ तक आपने देख लिया, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 सबको, बाय 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 बाय, गुड नाइट, बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।